नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त मनोज पांडे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन बाइक टीवीएस रेडियन के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा बिक्री छोटे इंजन वाली बाइक्स की होती है और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा दबदबा हीरो मोटोकॉर्प का रहा है। हालांकि टीवीएस भी इस सेगमेंट में विक्टर और रेडियन के चलते अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि टीवीएस रेडियन के लॉन्च होने के 7-8 महीनों के अंदर ही 1,00,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। यह बाइक ग्रामीण एवं कस्बों अर्धशहरी क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रियता बनाई हुई है। टीवीएस रेडियन अपने सेगमेंट की मजबूत और आरामदायक बाइक है। इस बाइक का सीधा मुकाबला हीरो की स्प्लेंडर के साथ होता है। ज़्यादातर लोगों को इसका डिजाइन पसंद आता है, यही इस बाइक की सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इसका डिजाइन सिंपल होने के बावजूद सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बाइक का हेडलैम्प LED DRL के साथ आता है और इसके चारों तरफ क्रोम लगा हुआ है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बाइक की सीट की बात की जाए तो यह अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है, साथ ही यह सॉफ्ट कुशन के साथ आती है, इसकी वजह से ज़्यादा आराम मिलता है। टीवीएस रेडियन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हद तक बढ़िया है और यह देखने में काफ़ी मजबूत और ठोस दिखाई देती है। इस बाइक में प्रीमियम स्विच का इस्तेमाल किया गया है। बाइक में लगा स्पीडोमीटर काफ़ी साफ सुथरा है और इसे रीड करना भी काफ़ी सरल है। बस इसमें एक ही बात की कमी है कि इसमें ट्रिप मीटर नहीं दिया गया है। टीवीएस रेडियन में 109.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगा है जो 8.3 bhp का पावर और 8.7 nm का टार्क देता है। बाइक में 4 स्पीड गियर दिए हैं। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर की माइलेज देती है जो कि कंपनी का दावा है। इसमें वही इंजन लगा हुआ है जो विक्टर और स्टार सिटी को पावर देता है। इसके अनूठा डिजाइन, स्टाइलिश क्रोम एग्जस्ट और प्रीमियम टच इसे बेहतर लुक प्रदान करती है। गोल्ड इंजन कवर और 10 लीटर की पेट्रोल टैंक पर रिप्ड थाई पैड्स इसे दूसरी मोटरसाइकिल से अलग बनाते हैं। ओल्ड स्कूल ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जो कि बेसिक जानकारियां देता है और यह पूरी तरह एनालॉग है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। कंपनी ने इसमें मजबूत प्लास्टिक के साथ बेहतर पेंट का इस्तेमाल किया है और इसकी फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसमें कंपनी ने मजबूत स्टील ट्यूबलर चैसी का इस्तेमाल किया है। 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर इंजन काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। सबसे आकर्षित इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ है जो कि दूसरी 110 cc मोटरसाइकिलों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। इस बाइक में खासियत यह है कि यह ट्रैफिक और पतली सड़कों पर आसानी से पार कर लेती है क्योंकि कंपनी ने इसमें 5 स्टेप वाले एडजस्टेबल रियर हाइड्रोलिक साकर एब्जॉर्बर तथा टेलीस्कोपिक आयल डेप्थ फ्रंट सस्पेंशन शामिल किए हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस के चलते यह ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर भी आसानी से पार कर लेती है, जिसमें ब्रेक लगाने पर राइडर का मोटरसाइकिल पर पूरा कंट्रोल बना रहता है और फिसलने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। SVT टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इसके ब्रेक लगाने पर ब्रेकिंग की दूरी कम हो जाती है और राइडर का संतुलन बना रहता है। टीवीएस रेडियन में कंपनी ने मैट ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स का प्रयोग किया है। इस बाइक में कंपनी ने टीवीएस के इंटर ग्रिप सीरीज के टीवीएस टायर का इस्तेमाल किया है। बाइक के पिछले हिस्से में कंपनी ने शानदार टेल लैंप को लगाया है। इसके अलावा इसके टर्न इंडिकेटर काफ़ी हद तक अच्छी लगती हैं। क्लियर लेंस वाले ये टर्न इंडिकेटर बाइक की खूबसूरती को और भी बेहतर बनाते हैं। यस रेडियन बाइक में क्रोम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है। हेडलाइट को क्रोम से सजाया गया है। इस बाइक की टैंक 10 लीटर होने के नाते एक बार टैंक फुल कराने पर आप आसानी से 650 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। पहले गियर में ये बाइक काफी हद तक हैवी लोड उठाने में सक्षम है। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन भी काफी बेहतर है। टीवीएस रेडियन का कुल वजन 116 किलोग्राम है। कंपनी ने इस बाइक में खुद के ब्रांड का टायर प्रयोग किया है। इसके अगले हिस्से में 2.7x18 आकार का और पिछले हिस्से में 3.00x18 के आकार का टायर लगा हुआ है। इसके टायर बहुत ही अच्छे हैं जो सड़कों पर लंबी दूरी तय करने में सक्षम हैं। कंपनी ने इस बाइक को 4 रंगों के साथ बाजार में उतारा है, जिसमें पर्ल व्हाइट, मेंटल ब्लैक, गोल्डन बीच और रॉयल पर्पल कलर शामिल है।
बाइक की एक्स शोरूम कीमत की बात की जाए तो यह बाइक प्रभा टीवीएस सहजनवा गोरखपुर के शोरूम में 66,786 रुपए में है। इस बाइक की ऑन रोड कीमत की बात करें तो ये बाइक 81,905 रुपए में ऑन रोड प्रभा टीवीएस सहजनवा के शोरूम पर उपलब्ध है। अगर आप बाइक से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस बाइक को आप 18,000 डाउन पेमेंट देकर ईएमआई पर ले सकते हैं। इस शोरूम में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी कम कीमत में बेहतर माइलेज के साथ शानदार परफॉर्मेंस वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो टीवीएस रेडियन आपकी पहली पसंद हो सकती है। इसी के साथ और भी फीचर की बात करें तो टीवीएस रेडियन की लंबाई 2025 mm, चौड़ाई 705 mm, ऊंचाई 1080 mm, व्हील बेस 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, वजन 116 किलोग्राम ड्रम के साथ और डिस्क के साथ 118 किलोग्राम की है। तेल टैंक क्षमता 10 लीटर की है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।